आप क्लियर नहीं कर सकते आप उनकी पत्नी है। क्यों नहीं कर सकती? मैं हूँ आर्मी में उनकी पत्नी, मैं आर्मी में उनकी पत्नी हूँ। रियल में नहीं है लेकिन। आर्मी का वर्ड सुनते ही बहुत एक पावरफुल, जिसके जो प्रोटेक्ट करते हैं पूरी पूरे इंडिया को, जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आर्मी, एक अच्छा सा एक आता है, एक रिस्पेक्ट निकलता है दिल से, उनके लिए दुआएं निकलती हैं। आर्मी का यही फेज है एंड सौभाग्यपूर्ण हम कर रहे हैं इसको, हालांकि अभी तो गाने की शूट कर रहे हैं और स्टोरी बहुत प्यारी है। एक आर्मी वाले की लाइफ कैसी होती है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड और उसका जॉब, वो सब फिल्मा रहे हैं हम। छोटे मुंह बड़ी बात होगी, मैं एक बहुत डेली हर प्रोजेक्ट में यही कोशिश होती है कि एक्टिंग को अपने और कैसे मांझा जाए, अच्छे से अच्छा एक्टिंग को कैसे प्रूव किया जाए। अगर हो सकता है मेरे अंदर उनको लगा हो कि रितु को चांस देना चाहिए, सुजीत सर ने मुझे याद किया एंड नो डाउट दिनेश सर के साथ काम करने का हर कोई एक्टर बेताब है कि उनके साथ कब स्क्रीन शेयर करने का मौका मिले। इवन मैं फर्स्ट टाइम ही बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जब मैं जिगर फिल्म की थी दिनेश सर के साथ, एंड अभी तो आई वॉज लाइक यकीन नहीं हो रहा है कि उनके साथ मैं अपोजिट में हूँ, लेकिन आप लोग के आशीर्वाद से मैं कर रही हूँ। हाँ, किया है मैंने एक्शन, अभी वो फिल्म रिलीजिंग पर है, बिकॉज लॉकडाउन है इसलिए कुछ हो नहीं पा रहा है, सब रखे हुए हैं, और मुझे एक्शन करना दिल से बहुत पसंद है, अगर मौका मिला तो ज़रूर करूँगी। हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है मेरा ट्रैक, जस्ट अ हाउसवाइफ, एक सपोर्टिव कैरेक्टर है दिनेश जी का, जो उनकी लवर है, उनकी वाइफ बनती है, और वो कैसे सपोर्ट करती है वो लड़की, वो मेरा कैरेक्टर है, पूजा नाम है उसका। मतलब आप दिनेश लाल यादव जी की वाइफ हैं। अब आप ये टैगलाइन मत बना देना, मैं दिनेश जी की बहन भी हूँ जिगर में, एंड अभी हाँ टैगलाइन बना सकते हैं क्योंकि इन आर्मी हो सकता है कि हमें दिनेश जी की वाइफ हूँ, अगर वो जस्टिफाई कर पाऊँ तो इट्स वेरी गुड। मतलब आप क्लियर नहीं कर सकते आप उनकी पत्नी हैं। क्यों नहीं कर सकती? मैं हूँ आर्मी में उनकी पत्नी, मैं आर्मी में उनकी पत्नी हूँ। आप कहाँ पे, आप रियल लाइफ शूट करने आए, आप कैसे आगे चलिए। अभी मड में शूटिंग कर रहे हैं, नंदनवन, नंदनवन स्टूडियो है, कैसा रहा कुछ माहौल दिन भर का, कितने लोग मिलने आए आपसे, क्या कुछ दिन भर का दिनचर्या और बताइए शूटिंग को लेकर। देखिए दिनचर्या हम 24 से शूट कर रहे हैं यहाँ पे, और आज तो नंदनवन में कर रहे हैं, तुलसी विहार में 2 दिन किया एंड बहुत ऑसम एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी लोग मिलने आए, मुझसे नहीं दिनेश जी से मिलने आए, और लगे हाथ में कॉम्प्लीमेंट्री में मैं भी मिल ले रही हूँ सबसे, और आज भी काफ़ी लोग आए हैं, काफ़ी फिल्म मेकर्स आए यहाँ पे, और कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर डिस्कशन हो रहा है, बातें चल रही हैं, काम भी हो रहा है, तो मैं बस इंजॉय करती हूँ अपने माहौल को, शुरू से अभी भी करती हूँ। कितनी फिल्में, आई थिंक काउंट नहीं किया, लेकिन कुछ फिल्में रिलीजिंग पर हैं, जैसे बाबजी है एंड वंश है, खेसारी जी के अपोजिट हूँ, उस फिल्म के डायरेक्टर भी यहाँ मौजूद हैं, देवेंद्र सर, देव पांडे जी। खेसारी जी के साथ मैंने पहले भी मेहंदी पार्ट 1 किया था एंड संघर्ष बागी, लेकिन पहली बार उनके अपोजिट मैंने किया देव सर, उस फिल्म के डायरेक्टर हैं, कि उन्होंने भी मुझे चांस दिया, और वो बहुत ही सब्जेक्टिव मूवी है, हालांकि हीरोइन का इतना काम नहीं है, लेकिन बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार एक सिंगल मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इनके साथ काम करूं, तो इट्स लाइक गुड लक। मेरे लुक के बारे में ऑडियंस कुछ कहेगी, बिकॉज मैं मेरे लुक को डिसाइड किया है इस गाने के हिसाब से किया गया है, तो आई थिंक अच्छा ही होगा। हेलो, प्रणाम, नमस्कार, मैं आपके रितु सिंह और भोजपुरी मुंबई संगम की तरफ से आपको होली की ढेरों शुभकामनाएं। बी हेल्दी एंड हैप्पी होली।